हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वंदना। मैं कानपुर से हूँ और होम शेफ हूँ। और मैं आज आपको मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा एंड और वो अमूल की चीज़ यूज़ करूँगी। विपिन, अमूल चीज़ पिज़्ज़ा। विपिन जी, हेलो। हेलो विपिन जी। एंड हम लोग अवन स्टार्ट कर देते हैं अपना, ताकि प्री हीट हो जाए तो हम लोग को बनाने में आसानी हो। मैं उमेश जी, हाय। हाय उमेश जी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने घर में बेस बनाया हुआ है, आप लोगों को दिख शो हो रहा है अच्छे से। ये देखिए मैंने बेस घर में बनाया, इसकी मैं रेसिपी आपको अभी बताती हूँ। जब तक हम लोग इसको बना लेंगे और अवन में डाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये मैंने बना के रख दिए हैं इस तरीके से। रचना जी, हाय। मार्केट में बने बनाए भी पिज़्ज़ा बेस मिलते हैं, लेकिन मुझे घर का बेस ज़्यादा पसंद है। और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, ये देख सकते हैं आप लोग। और घर की चीज़ तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है बनाना। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी रेसिपी है। सचिन जी, हाय। हाय शेफ। हेलो सचिन जी। एंड मैं दो एक साथ तैयार करती हूँ, देखिए आप लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, ये शेजवान चटनी है, इसको भी आप घर बना सकते हैं। तो इसको मैंने मार्केट से ही ले लिया है, मार्केट में अवेलेबल है ये। इसको पहले हम इसमें डालेंगे। पिंकी जी, हाय। हेलो पिंकी जी। इसको हम लोग इसको फैला लेंगे इस तरह से। सॉरी आपको इंतजार करवाया। इस तरह से इसको फैला लेते हैं। अब इसमें मेयोनीज डालेंगे। इसको भी इसी तरह से फैला लेते हैं। अब इसमें हम लोग, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ओनली ऑनियन और टमाटो पिज़्ज़ा बना रही हूँ। आप इसमें पनीर, कैप्सिकम, मशरूम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। आप किसी भी तरीके की इसमें कॉर्न वगैरह बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। फ्रेंड्स, आपको क्लियर दिख रहा है?
ये मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनो और रेड चिली फ्लेक्स थोड़ा सा इसमें मिक्स किया हुआ है, ये भी मैं इस तरीके से डालूंगी हल्का सा। क्योंकि इसको ऊपर से भी डालते हैं आप फ्रेंड्स, अमूल की चीज लेंगे, देखिए इससे हमारा पिज्जा बहुत चीजी बनेगा। पिंकी जी हेलो, जी हेलो पिंकी जी, चीज तो आप लोग जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो क्योंकि चीज तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। पिज्जा में चीज ना हो तो फिर क्या फायदा। अब फ्रेंड्स ये हमारा ओवन जो था मैंने आप ही हीट कर दिया था, इसलिए अब हम इसमें इसको लगा देंगे और बेस हमारा आधा बना हुआ ही है तो इसको बस चीज जैसे ही मेल्ट होगी हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये मैंने 180 डिग्री पे रखा हुआ है तो 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगा, 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पिज्जा बेस की, थोड़ा पीछे हूँ, पिज्जा बेस की हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत ही इजी है इसको बनाना। बस 400 ग्राम मैदा लिया है मैंने, उसको छान लिया है और फिर ये देखिए फ्रेंड्स ये ईस्ट है, इसको आप पानी में थोड़ा सा गुनगुने पानी में एक चम्मच आप डाल दो और उसको उसमें हल्का सा पिसी हुई शुगर डाल दो और इसको रख दीजिए एक्टिवेट होने के लिए। अगर आप शुगर डाल देंगे तो ये ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। इसको आप ढक के रख दीजिए, फिर 10 मिनट के लिए आप ढक के रख दीजिए और उसके बाद हम अपने मैदे को सिंपल आप दूध मिल्क पाउडर उसमें डाल दीजिए, 2 चम्मच 2 स्पून मिल्क पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं गर्म, मतलब कोई भी चीज़ आपको ठंडी नहीं यूज़ करनी है पिज़्ज़ा बेस का बैटर उसको बनाने के लिए डो को, कोई भी चीज़ आपको ठंडी नहीं यूज़ करनी है, बस ये ध्यान रखिए। तो आप इसको 10 मिनट के लिए आप लोग छोड़ दीजिए गर्म पानी में, इसको एक चम्मच डाल के छोड़ दीजिए और पिसी हुई चीनी डाल के ढक के रख दीजिए। फिर उसके बाद जब हम लोग मैदे को लगाएंगे उसका मारेंगे तो फिर हम लोग इसी पानी को हम लोग यूज़ करेंगे, उसमें बबल्स आ जाते हैं काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसको हम लोग एकदम सॉफ्ट सा डो लगाएंगे, देखिएगा डो एकदम सॉफ्ट सा हो और उसको हम लोग गर्म जगह पे रख देंगे तो हम लोग देखेंगे कि आधे एक घंटे में वो डो पूरा इतने से इतना हो जाएगा। बस उसको कुछ नहीं करना है, उसको बेल लेना है आप लोगों को, बेल के बस इसमें आपको 5 या 10 मिनट में पकाना है और बस फिर ये रिजल्ट ये आएगा, एकदम सॉफ्ट सा बन जाएगा। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा पिज़्ज़ा बेस, घर में जरूर ट्राई करिएगा आप लोग क्योंकि घर का पिज़्ज़ा बेस बहुत अच्छा बनता है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जीतू जी किस चीज की रेसिपी? सर ये चीज पिज्जा की रेसिपी है, ये मैं इसकी पिज्जा बेस की रेसिपी बता रही हूँ, ये जो घर में बनाते हैं हम लोग उसकी रेसिपी बता रही हूँ। मार्केट वाला उतना अच्छा नहीं लगता है लेकिन ये घर में जो बना हुआ होता है पिज्जा बेस, ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, एकदम सॉफ्ट सा है, एकदम सॉफ्ट सा है और इसको खाने में भी बहुत अच्छा होता है ये। बस 5 मिनट में ये हो जाएगा। हेलो एवरीवन,
सर आप इसे कैसे भी बना सकते हैं, आप थिन क्रस्ट बना सकते हो, एकदम पतला भी बना सकते हो, जिस तरीके से जैसे अच्छा लगता है वैसे ही बना सकते हो आप लोग। इतना खास मोटा नहीं है ये, अगर आप इसे पतला बेलोगे तो पतला भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा पिज़्ज़ा लगभग बन के तैयार है और बस इसको मैं सर्व करूँगी अब। और बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है और बड़ों को भी बहुत पसंद आती है, और इसलिए आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिए। पिज़्ज़ा बेस भी बहुत ही इजी है बनाना, और जैसे कि मैंने बताया कि बस एक चम्मच आपको ये यूज़ करना है, ईस्ट है ये, ड्राई ईस्ट है, काट दो, तो इसको आपको यूज़ करना है, इससे आपका जो बेस है वो बहुत ही अच्छा बनता है। कुछ लोग बनाते हैं घर में बेस लेकिन उनका नहीं अच्छा बनता है, तो वो मोस्टली दही या सोडा खाने वाला, बेकिंग सोडा नहीं पता होता है जिनको, तो ये जब तक ईस्ट नहीं डालोगे तब तक आपका पिज़्ज़ा बेस नहीं अच्छा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। जो पिज़्ज़ा बेस होता है मेन तो उसी का ही होता है, बेस नहीं अच्छा बनता है तो पिज़्ज़ा खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप इसमें अपने हिसाब से आप मशरूम, कॉर्न, पनीर वगैरह सब कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। तो फ्रेंड्स हमारे पास आज यही अवेलेबल था तो मैंने इसी का बनाया। लगभग तैयार हो गया है हमारा पिज़्ज़ा, इसको एक बार देख लेते हैं। अरे आगे इसका चीज भी मेल्ट हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कट करेंगे। अब इसको हम लोग कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे। अब इसमें सर्व करेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें सॉसेस वगैरह ऐड कर सकते हो। और इसमें ऑरेगानो वगैरह डाल सकते हो। तैयार है हमारा चीजी पिज़्ज़ा, ये देखिए कितना चीजी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अमूल की चीज से ये और ज्यादा अच्छा बना है। सो फ्रेंड्स तैयार है चीज पिज्जा।
एक और कप इधर। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और मैंने तैयार किया है, इसको भी हम लोग इस तरह से कट करेंगे। और बस इसमें भी हम लोग ऑर्गेनो वगैरह डालेंगे, सॉस डालेंगे, सो फ्रेंड्स तैयार है हमारा चीज पिज्जा। कैसे लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताइएगा। थैंक यू केविन किंग जी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने रेसिपी को देखा, एंड कैसी लगी रेसिपी जरूर बताइएगा। और जुड़ने के लिए धन्यवाद। अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, धन्यवाद, आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दी मुझे आज लाइव आने की। और थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।